हेलो एवरीवन, मैं इस मोमेंट में गणेश यादव आज आपको बताने वाला हूँ यूज ऑफ देयर। आपने देयर को कई जगह सुना होगा, पढ़ा होगा। आइए क्लियर करते हैं देयर को कैसे और कहां पर यूज कर सकते हैं। डेफिनेशंस को देखेंगे तो पता चलेगा, टू एक्सप्रेस और टेल द प्रेजेंस एंड सिचुएशन ऑफ समथिंग, जैसे कि पर्सन, थिंग्स और एटीसी। हिंदी में देखें तो पता चलेगा, किसी व्यक्ति या वस्तु आदि की स्थिति व उपस्थिति को बताने के लिए हम देयर को यूज करते हैं। देयर को कई जगह पर यूज किया जाता है, जैसे कि धरती पर कई सारी चीजें स्थित है, उनके बारे में बताने के लिए हम देयर यूज करते हैं। देयर का यूज ग्रामर में काफी इंपोर्टेंट और कई जगह पर किया जाता है, इसको बेसिक यूज बोला जाता है। अगर हम प्रेजेंट में देयर को यूज करना चाहते हैं तो हमें देयर के साथ इज और आर यूज करना पड़ता है। पास्ट में वाज एंड वर्क और फ्यूचर में विल बी। फॉर एग्जांपल वी कैन से देयर इज वन बोर्ड इन दिस क्लास, देयर आर मेनी टेबल्स एंड बेंचेस इन दिस क्लास। ऐसे प्रकार से कई बार हम देयर को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि देयर आर मेनी पीपल इन दिस हाउस, देयर वर मेनी पीपल इन दैट पार्टी, और देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स इन द टुमारो सेमिनार। आप बता सकते हैं अपने विलेज के बारे में, अपने स्कूल लाइफ के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, या फिर कोई ऐसा प्लेस जिसको आपने विजिट किया हो। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको देयर इज नो, देयर वाज नो, देयर विल बी नो के साथ सेंटेंस बना पड़ता है। इसी प्रकार से हम देयर को कई प्रकार से यूज कर सकते हैं और कई सारे न्यू सेंटेंसेस सीख सकते हैं। इसको समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Thank you.